हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एस के सिंह और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एनर्जी क्या है, उसकी यूनिट क्या है और जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है उसको किस किस कंपोनेंट में हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। वन बाय वन अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट BMR, बेसल मेटाबोलिक रेट। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी बिगेन लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। सो फूड एनर्जी को हमारी बॉडी थ्री कंपोनेंट्स में यूटिलाइज करती है। मेजर कंपोनेंट इज द रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग BMR भी कहते हैं, और उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी एंड देन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। वन बाय वन हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस एनर्जी बैलेंस के लिए एनर्जी इनटेक शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो भी हम फूड लेते हैं वो अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए इन थ्री कंपोनेंट्स में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, लीन बॉडी मास, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ फूड। तो इन सारे कंपोनेंट्स को भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज अ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर विच वी एक्वायर फ्रॉम फूड एनर्जी। तो मेजर पोर्शन जो है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में अराउंड 60-70% कंज्यूम हो जाता है। बाकी 20-30% फिजिकल एक्टिविटीज में यूटिलाइज होता है एंड 8-10% डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, जो फूड का एक थर्मोजेनेटिक इफेक्ट है उसमें यूटिलाइज होता है। Now we will discuss each part of the energy expenditure which we have seen in the previous slide. लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे उस बेसल मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमारी बॉडी लगातार एनर्जी का यूज करती रहती है फॉर द एसेंशियल एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग एंड डाइजेशन एंड बेसल मेटाबॉलिजम्स आर द सीरीज ऑफ फंक्शंस जो कि एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। वो फंक्शन जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं लाइक सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कार्डियक, रेस्पिरेटरी मसल, ब्रेन फंक्शन। तो इन सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें जरूरत होती है एनर्जी की। तो बेसल मेटाबॉलिज्म इज जनरली अ सीरीज ऑफ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन अवर लाइफ एंड द रेट at which the body uses food energy to sustain life and to do different activities is called metabolic rate. इसको हम लोग बोलते हैं basal metabolic rate. तो ये amount of energy है जो कि help करता है हमारे basal metabolism को maintain करने के लिए in a period of time. तो इसी को हम लोग कहते हैं basal metabolic rate. So it also depends on the age, lifestyle. BMR represent 45-70% of the total daily energy expenditure. You may think that you only need energy to exercise and complete tasks, but your body has a specific energy that need to just a complete basic functions light, breathing, regulating your hormone levels. So your metabolic rate measures the minimum amount of calories that your body need to perform necessary actions. और necessary actions क्या है? Pumping blood throughout your blood body, digesting food, breathing, keeping a stable body temperature, growing hair and skin, maintaining of different chemicals. और हमारा BMR around 70% of the calories you burn every 24 hours. जो अभी आप energy consume करते हो उसका 70% हमारा BMR utilize कर लेता है. And other ways that your bodies use calories in exercising and moving of your body in general, your weight. और ये depend करता है various factors पे, जैसे मैंने बताया आपको your weight, height, age, gender, genetics. And it's a very play very important role in your BMR. So the most significant contributor is your weight that doesn't come from fat, especially your muscles. BMR is measured under a standard conditions. वो हम लोग अभी देखेंगे अगली स्लाइड में।
बेसल मेटाबॉलिक रेट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ड्यूरिंग फिजिकल इमोशनल एंड डाइजेस्टिव रेस्ट, तो जितनी अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है पर्सन को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वाइटल फंक्शंस जैसे कि ब्रेन फंक्शन, सर्कुलेशन, हार्ट, दीज आर द वाइटल फंक्शंस, उसको मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम एनर्जी की, उसे हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? एक्चुअली इट्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट इवॉल्व, या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके वॉल्यूम के ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या इट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व पर यूनिट मिनट। तो इसको इन चीजों की मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो द एनर्जी इंक्लूडेड इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। कौन कौन से सिस्टम है? लार्जेस्ट फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे तो लीवर एंड स्प्लीन, इसके बाद आता है ब्रेन इज द नेक्स्ट वन, ब्रेन एंड देन स्केलेटल मसल। ऑफ कोर्स जब हम लोग विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी कंसम्पशन स्केलेटल मसल और हार्ट में काफी इंक्रीज हो जाता है। सो यू कैन सी हियर आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट कंज्यूमिंग ऑर्गन्स, अराउंड 75% ऑफ द टोटल एनर्जी फ्रॉम द फूड एनर्जी विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द डाइजेशन प्रोसेस, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ऑर्गन्स में, और ये यहाँ पे टेबल दी गई है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस टेबल। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स बीएमआर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ फैक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। एज, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका बीएमआर कम होता जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट इज हाईएस्ट इन अप टू 6 ईयर्स, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीएमआर डिक्रीज होता जा रहा है। सेम सेक्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेक्स बिकॉज मेल्स हैव हायर बीएमआर देन फीमेल्स। टेम्परेचर, जैसे जैसे बीएमआर इंक्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वहां पे हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है, सो बीएमआर इंक्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, तो एस्किमोज हैव हायर बीएमआर। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो क्या होता है, हमारे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण बीएमआर भी इंक्रीज हो जाता है, जबकि फास्टिंग के केस में बीएमआर कम हो जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फीवर, आप देखते हैं जब हमें फीवर आता है तो बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्टिवली एनर्जी की जरूरत पड़ती है डिजीज से लड़ने के लिए। सो इट हैज बीन नोटिस्ड बाय पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। थायराइड हार्मोन्स आर द अनकपलर्स, सो दे हैव द जनरल स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ मेटाबोलिज्म एंड हीट प्रोडक्शन। जब भी हमें हीट की जरूरत पड़ती है तो थायराइड हार्मोन एक्टिवली काम करते हैं और इसके कारण बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। जबकि अगर थायराइड हार्मोन कम होता है दैट वी कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, इट विल बी बीएमआर विल बी लोवर्ड। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीएमआर आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स। I have summarized here some of the physiological condition which affects our BMR. तो अगर आप male हैं या फिर आपके more muscles हैं, young, growing, pregnant, fever, smoke, in all these physiological condition you have higher BMR. जबकि in these cases you have been lower BMR. इसके अलावा BMR also depends on the food. What type of food you are eating? उस पर भी बीएमआर डिपेंड करता है, बिकॉज डिफरेंट फूड्स इन अवर डाइट अफेक्ट अवर मेटाबॉलिज्म डिफरेंटली। सो डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो रिक्वायर एक्सपेंडिंग कैलोरीज। हम लोगों को पता है कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब फूड में डिफरेंट डिफरेंट बायोमालिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, इनमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होती है इनके कंपोनेंट्स में, उनको ब्रेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है।
That is why we require different expending different calories for breaking down the components in food by the action of enzymes. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्ट प्रेनेट्रियल थर्मोजेनेसिस विच टेम्परली इंक्रीजेस द बीएमआर. और यहाँ पे आप ये ग्राफ देख पा रहे हो विच शोज द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन फूड एंड हाउ दे अफेक्ट द बीएमआर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द मील. सो दिस मीन्स दैट अबाउट 3 आवर्स फॉलोइंग अ हाई प्रोटीन मील, अगर आप 3 घंटे में प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आपने खाई है, तो 3 घंटे में आपका ये अराउंड डाइजेस्ट हो जाएगा. द बीएमआर इंक्रीजेस अबाउट 30%. 30% बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने प्रोटीन डाइट ली है. तो आप लोगों ने देखा होगा एथलीट्स जो है हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं. व्हाई? बिकॉज दे इंक्रीज देयर बीएमआर, बेटर मेटाबॉलिक रेट. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने खाया है तो आपका फैट डोंट हैव द सेम ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन बीएमआर. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का बीएमआर पे प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है. सो विद इन एन आवर और टू वेकिंग अप ईट अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट टू रिवाइव योर बीएमआर सो दैट यू कीप बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑल मॉर्निंग. तो हाई प्रोटीन डाइट अगर मॉर्निंग में आप लेते हैं तो योर बीएमआर विल बी इंक्रीज्ड. सो ऑल्सो ड्रिंकिंग अ प्रोटीन शेक एन आवर और सो बिफोर अ रन और वर्कआउट विल मैक्सिमाइज द कैलोरी बर्न ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. सो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ फूड. फूड के अलावा बीएमआर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशंस. यहाँ पे आप देख पा रहे हो सम ऑफ द क्लिनिकल कंडीशंस पे भी बीएमआर डिपेंड करता है. हाइपर एड्रिनलिज्म, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द मोर सिक्रीशन ऑफ कैटीकोलामीन्स जो कि एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, रिलीज होते हैं ये सब्सटेंसेस ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस. और ये हेल्प करते हैं बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में स्ट्रेस और फ्राइट कंडीशंस में. फॉर एग्जाम्पल एड्रिनल ग्लैंड्स मेक लार्ज अमाउंट ऑफ कैटीकोलामीन्स एज ए रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस. और एग्जाम्पल में अगर देखेंगे ये हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, दीज आर द कैटीकोलामीन्स. ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में स्ट्रेस में. जब भी ये रिलीज होंगे बीएमआर हमारा हाई हो जाएगा. इसी प्रकार हाइपर पाइरेक्सिया में जब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बीएमआर देखा गया है कि अराउंड 10-14% बीएमआर इंक्रीज हो जाता है विद 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन अवर बॉडी टेम्परेचर. हार्ट फेलियर, जब भी हमारा बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, उस कंडीशंस में भी देखा गया है कि बीएमआर इंक्रीज हो जाता है. डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज के केस में भी बीएमआर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इसके अलावा लोअर बीएमआर की कुछ क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, हाइपोपिट्यूटरीज्म, हाइपो फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये इसका रिडक्शन हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, हाइपोथर्मिया, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज्ड बीएमआर 10% फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर, इसके रिवर्स में हाइपरपाइरेक्सिया के जस्ट अपोजिट. प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, बहुत हम फास्टिंग करते हैं उस केस में भी हमारा बीएमआर डिक्रीज हो जाता है. डिप्रेशन में डिक्रीज्ड कैटीकोलामीन्स, डिक्रीज्ड थायरोक्सिन एंड कॉर्टिकोइड्स. सो दीज आर द सम ऑफ द क्लिनिकल कंडीशंस व्हिच अफेक्ट्स आवर बीएमआर. सो हम लोगों ने देखा कि अराउंड 75% ऑफ आवर फूड कैलोरी आर यूज्ड टू सस्टेन आवर बेसिक बॉडी फंक्शंस, जिसमें कि बीएमआर इंक्लूडेड है. हाउ डू यू मेजर बीएमआर, तो इस बेसिक मेटाबॉलिक रेट को आप मेजर कैसे करेंगे? बीएमआर एज डिफाइंड बाय द बॉडबी एंड सैंडी फोर्ड, उन्होंने ये कहा था कि इसको मेजर करने का सबसे बढ़िया टाइम है मॉर्निंग. मेजर्ड इन द मॉर्निंग अपॉन अवेकनिंग, बिफोर एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड 12 टू 18 आवर आफ्टर अ मील. तो इन कंडीशंस में बीएमआर को मेजर करना चाहिए. तो बीएमआर को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन एस्टिमेट विद द मैथ और वी हैव टू टेक अ टेस्ट इन अ लैब. तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया है, हैरिस बेंडिक्ट फार्मूला विच इनकॉर्पोरेट्स योर हाइट, वेट, जेंडर एंड एज.
दिस इज द फॉर्मूला फॉर वुमेन और दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैन। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को देख सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बीएमआर को मेजर करने के लिए आपको इन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो दिए गए हैं। सो दीज कैलकुलेशंस कैन वेरी इन एक्यूरेसी एंड यू माइट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट इक्वेशंस। सो अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट रूट चाहिए बीएमआर कैलकुलेट करने का, सो यू नीड टू गेट अ टेस्ट इन अ लैब। उस लैब में आपको एक स्पेशल मास्क दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इट कवर्स योर माउथ और नोज एंड द मास्क यूजेस योर ब्रेथ रेट, जो आप सांस लेते हैं उसको ये मेजर करता है एक्चुअली में। एंड यू विल नीड अ स्लीप एट अ लैब ओवरनाइट टू गेट एन एक्यूरेट बीएमआर मेजरमेंट। और जितना आप जितने घंटे आप सोएंगे, आपका टेम्परेचर जो रूम का है वो भी इफेक्ट करता है योर बीएमआर को। यू मे नीड टू स्किप एक्सरसाइज एंड ईटिंग फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। 12 घंटे का फास्टिंग और एक्सरसाइज भी आपको नहीं करना है बिफोर मेजरिंग योर बीएमआर। दीज एक्टिविटीज बोथ बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज ओवर टाइम। तो मोर एक्यूरेट वे टू मेजर योर बीएमआर इज लैब टेस्ट। सो व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बीएमआर? हम लोगों ने देखा कि बीएमआर इज अफेक्टेड बाय बॉडी सरफेस एरिया और इसको हम लोग को सबसे पहले मेजर करना होगा। और इसके लिए ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, डी वायोस इक्वेशंस व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय दीज रिसर्चर्स व्हिच कैलकुलेटेड द बॉडी सरफेस एरिया। यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच इंटू 71.84 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी करना है आपको 0.425 एंड 0.725 से। ये है, इससे हम लोग सरफेस एरिया बॉडी का टोटल होल बॉडी सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं। एंड इट इन दिस इक्वेशन एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर, जबकि वेट केजी में है। अगर हम लोग इस इक्वेशन से कैलकुलेट करें तो अडल्ट मेन का बीएमआर अराउंड आता है 34 टू 37 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आर। पर आर में ये वैल्यू दी गई है, जबकि वीमेन का 32-35 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर आर। जबकि इजियर कैलकुलेशन के लिए बीएमआर को फिक्स कर दिया गया है फॉर अडल्ट्स, इट इज अराउंड 24 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। और जो भी वैल्यूज हमारी आती है उसको हम लोग राउंड आउट करते हैं नियरेस्ट होल्ड नंबर। एक स्टडी की गई थी अराउंड 645 अडल्ट्स पे विच आर बिटवीन 20-70 ईयर्स ऑफ एज। तो वहां देखा गया कि मेल का बीएमआर इज हाइयर देन फीमेल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस डेटा रिजल्ट को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है 3000 किलो कैलोरी पर डे मेल को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की फॉर देयर बीएमआर होल कैलोरी रिक्वायर्ड। जबकि यहाँ पे आप देखिए फीमेल की रिक्वायरमेंट कम है एज कंपेयर टू मेल। वन ऑफ द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि बीमार इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स एट रेस्ट, बट ये मिसकॉन्सेप्शन है। इसके लिए एक डिफरेंट मेट्रिक यूनिट यूज की जाती है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। सो बीएमआर इज व्हाट एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, जबकि आरएमआर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी बर्न्स व्हाइल एट रेस्ट। कुछ लोग इसको सिमिलर यूज करते हैं, दे आर इंटरचेंजेबली आरएमआर टू बीएमआर, बट दे आर नॉट सेम बिकॉज आरएमआर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन परफेक्ट होमियोस्टेसिस व्हाइल अस्लीप और रेस्टिंग। आरएमआर इज स्लाइटली हायर टू बीएमआर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि मसल मास, एज, जेनेटिक्स, टेम्परेचर एंड डाइट। और इसको सिमिलर इक्वेशन से भी मेजर किया जा सकता है, जैसे कि बीएमआर को हम लोग करते हैं और लैब में भी मेजर कर सकते हैं। मिफिन इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि मेजर करता है आरएमआर को। सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइज,
अगर मोर सरफेस एरिया है पर्सन का तो इट विल बी ग्रेटर इन द आरएमआर, बॉडी कंपोजिशन हायर द रेशियो ऑफ लीन टिश्यूज टू फैट रेशियोज द हायर द आरएमआर, थायराइड हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द रेस्टिंग मेटाबोलिज्म टू डिटेन एंड आरएमआर ड्रॉप्स, एज यंगर द इंडिविजुअल हायर द आरएमआर। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द बीएमआर बट ओनली डिफरेंस इन बिटवीन देयर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। And see what are the similarities between BMR and RMR. तो हम लोग देख पा रहे हैं फिटनेस बोथ गिव यू एन आइडिया ऑफ ओवरऑल मेटाबोलिज्म, दोनों ही आपको एक मेटाबोलिज्म का आइडिया देंगे, एंड बोथ मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू स्टे अलाइव एंड फंक्शन प्रॉपरली। हायर द मेटाबोलिक रेट मीन्स योर बॉडी बर्न्स मोर कैलोरीज ईच डे, सो आइदर BMR और RMR can represent the calories you burn at rest in your total daily energy expenditure TDEE। दोनों ही BMR और RMR बताते हैं आपको कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है जब यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, सो दे आर जनरली अराउंड द सेम नंबर फॉर ईच पर्सन। दोनों ही आपको आइडिया देते हैं अबाउट योर ओवरऑल मेटाबोलिज्म, हायर द मेटाबोलिक रेट means your body burns more calories each day. So यहाँ पे आप देख पा रहे हैं regular अगर आप exercise करेंगे तो your fat will be converted into the muscle and you if you have more muscles it will speed up your basal metabolism and faster metabolism burns more calories and which results weight loss and natural weight control. So BMR is a very important BMR and RMR both are very important way to calculate your energy expenditure and your metabolic activity. So what are the differences between BMR and RMR? तो हम लोगों ने देखा BMR is measured under very restrictive conditions और इसको मेजर करने के लिए हमें थर्मल न्यूट्रल एनवायरनमेंट की जरूरत है और एक प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, जबकि RMR के केस में वी डोंट नीड अ थर्मल न्यूट्रल एनवायरनमेंट, वी डोंट नीड प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी। सो RMR को हम लोग लेस रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन में भी मेजर कर सकते हैं। BMR के लिए हमें सब्जेक्ट को 8 आवर्स के लिए स्लीप चाहिए इसको सब्जेक्ट को, जबकि RMR में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और चूंकि इसमें काफी थर्मल न्यूट्रल एनवायरनमेंट और प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, सो BMR इज वेरी कॉस्टलियर देन RMR, जबकि RMR इज द चीपर देन BMR। सो असेसमेंट इज नॉट इजी एज रियलिस्टिक एज RMR BMR के केस में, जबकि RMR एक रियलिस्टिक मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकता है और इजी और रियलिस्टिक मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। कैलोरी एस्टिमेशन इज स्लाइटली लोअर एज कम्पेयर टू RMR। BMR में कैलोरी एस्टिमेशन जो है तो वो थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू RMR, बट इट इज मोर एक्यूरेट देन RMR। BMR जो है दिस इज मोर एक्यूरेट देन RMR, जबकि RMR इज लेस एक्यूरेट देन BMR। तो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन BMR एंड RMR। आने वाली क्लासेस में हम लोग अदर कंपोनेंट्स के बारे में भी एनालाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।